जय गुरु जी। हमारी धरती संत धरा है, ऋषियों मुनियों ज्ञानियों विद्वानों और महापुरुषों के चरणों से सुसज्जित है। सदियों से ये धरा पावन धरा कहलाई गई है। त्रेता द्वापर सतयुग और कलयुग, हर युग में ईश्वर ने विभिन्न अवतार लेकर इस धरा के मानवों के पाप और कष्ट हरे। त्रेता द्वापर और सतयुग का उल्लेख तो रचित है, पुस्तक बद्ध है, हम पढ़ चुके हैं। हमारे गुरुओं और माता पिता ने भी हमें उन युगों की घटनाओं का ज्ञान दिया। कलयुग में हम हैं, हम थोड़ा बहुत कलयुग के विषय में जानकारी रखते हैं। कलयुग अर्थात आज का युग, हमारा युग। हमने अपने इस युग में कई महापुरुषों के विषय में जाना, परंतु आज हम जिन देव पुरुष महात्मा के बारे में विचार विमर्श करेंगे, वो न सिर्फ अलौकिक हैं बल्कि शिव के साक्षात अवतार माने जाते हैं। ये पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुजी आज के युग के महान प्रवर्तक एवं आध्यात्मिक शक्ति हैं। जलंधर पंजाब के मलेरकोटला के निकट दुगरी गांव में 7 जुलाई 1952 को माता सुरजीत कौर और पिता मस्त राम जी का ये पुत्र कालांतर में देव पुरुष बन जाएगा, शायद समय को भी पता न था। गुरुजी के बचपन के स्कूल व कॉलेज के साथी व अध्यापक अनेक घटनाएं सुनाते हैं। ये वो घटनाएं हैं जो उनकी दिव्य शक्तियों की परिचायक हैं। समय चलता गया, गुरुजी की आध्यात्मिक यात्रा भी बढ़ती रही। प्रभु की अनन्य कृपा उन पर हो गई और वो हम में से एक होकर भी प्रभुमय हो गए। उनकी ईश भक्ति की रीत सबसे अलग और निराली है। गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, व्यक्तिगत रूप से बात करते हुए साधारण वाक्यों में संकेत देते, जिसका अर्थ उचित समय पर कभी कभी कई वर्षों बाद समझ में आया। लेकिन उनको समझना हमारी क्षमता भी नहीं। वो अक्सर कहा करते थे, अपना दिमाग यानी लॉजिक, प्रश्नों की झड़ी और अपना अहम यानी सामाजिक व व्यवसायिक स्तर की सोच अर्थात अहंकार जूतियों के साथ बाहर छोड़कर आया करो। कौन कहेगा ऐसी विद्वतापूर्ण बात? वही महापुरुष कह सकता है जो स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हो। और फिर हमारे गुरुजी तो साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान मिला है। अब हमारे सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, गुरु किसे कहते हैं, गुरु क्या होते हैं? इसकी शाब्दिक परिभाषा हमें उस अतुलनीय अनुभूति व अलौकिक आनंद से बहुत दूर रखती है जिसे हमने गुरु जी की शरण व सानिध्य में बहुत गहराई से अनुभव किया। उनके प्रेम में स्व को निरंतर भिगोया है और सहभक्तों को भीगते देखा है। ऐसे गुरु और कहां जो ये कहें, चंगा यानी अच्छा जीवन जियो। कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम कानून नहीं। कुछ भी खाइए, कुछ भी पहनिए, आनंद से रहिए, परंतु चंगा इंसान बनो। हां, गुरुजी ये अवश्य कहते, अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो यानी
सकारात्मक विचारधारा रखो। परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारियों को गुरुजी विशेष महत्व देते हैं। वो हमेशा सपरिवार सत्संग में आने को कहते। वैसे तो गुरुजी के मुखारविंद से निकला हर वाक्य संदेश है, फिर भी कुछ संदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी करो, गुप्त दान व गुप्त सेवा करो। आगे समय बहुत खराब है, अर्थात आध्यात्मिक एकता व सांझा पाठ करना आवश्यक है। किसी को गाली मत दो, चुगली नहीं करनी। किसी को दोष न दो, किसी की निंदा मत करो। जब भी कोई इंसान प्रार्थना करता है या किसी मंत्र का जाप करता है तो एक शक्ति का आह्वान करता है, ताकि वो शक्ति उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकारे व इच्छाओं की पूर्ति करे। इसके लिए ये आवश्यक है कि मंत्र या प्रार्थना बहुत स्वच्छ हो, उच्चारण दोषहीन व स्वर एकदम सही हो, वरना शक्ति यानी ऊर्जा जागृत नहीं होती। लेकिन हमारे उच्चारण व स्वर दोषहीन नहीं होते, अतः हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकृत रह जाती हैं। यहां गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु अपने भक्तों की दोषपूर्ण प्रार्थनाओं को स्वीकार कर उन्हें सही बनाकर परम शक्ति को अर्पण करते हैं, ताकि वो स्वीकार हों। गुरुजी के शब्द हैं, शक्ति को जागृत करने के लिए मंत्र को गणित के सवाल की तरह होना है एकदम सही, उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं होती। हमारे गुरुजी का जाप है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का शब्द सुनकर कहीं ये न सोचें कि लंबी दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र वाले गुरुजी रहे होंगे। भक्त समूह के सामने गद्दी पर सत्संग में बैठना होता तो गुरुजी शानदार सिल्क का लंबा कुर्ता और धोती पहनते थे। गुरुजी ने कभी भी किसी को बलपूर्वक भक्ति और अध्यात्म की ओर नहीं मोड़ा। वो तो कहते हैं आनंद से जियो, मन को मारो मत, खुलकर जियो। हां, एक बात जरूर कहते थे जो हमें उनके आदेश की तरह माननी चाहिए। गुरुजी का कहना है शिव पुराण रोज पढ़ना चाहिए। शिव की अदम्य शक्ति का अनुमान था गुरुजी को। गुरुजी में ही शिव, गुरुजी में ही शिव शक्ति, शिव भक्ति। धन्य है वो भक्त जिन्होंने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। हम उनकी छवि देखकर ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। आप ध्यान से कुछ पल के लिए गुरुजी की छवि को निहारिए। उनके मुखमंडल पर आभा, कांति, शांति और ईश्वरीय प्रकाश नजर आएगा। उनकी आंखों में जीवन का सुख दृष्टिगोचर होता है। उनकी मधुर मुस्कान तनाव मुक्त कर देती है। गुरुजी संपन्नता, वैभव, सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि और वृद्धि के देने वाले हैं। उनका सत्संग हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। संगत से सुख मिलता है। गुरुजी एक समय एक से अधिक स्थानों पर दर्शन देते। अमुक दिन दिल्ली में बैठे संगत में हम उन्हें निहार रहे होते तो उसी घड़ी पल वो किसी अन्य स्थान पर किसी भक्त के घर पर
उनकी समस्या का निदान करने के लिए उपस्थित होते। चंडीगढ़ से आए एक श्रद्धालु परिवार से बातचीत के दौरान हमने ये समझा, ऐसा तो अक्सर होता है कि गुरुजी दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी सुगंध देश विदेश में बैठे श्रद्धालुओं को यकायक मिल जाती। गुरुजी की प्रत्येक कुंडलिनी से अलग अलग सुगंध निकलती थी, कहीं गुलाबों की खुशबू तो कहीं चंदन की सुगंध। आज भी इसी सुगंध से गुरुजी अपने भक्तों को यकायक भाव विभोर कर दिया करते हैं, शक्ति देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, पथ भ्रष्ट होने से बचाते हैं। सैकड़ों श्रद्धालुओं से खचाखच भरे मंदिर के हॉल में अचानक एक तेज झोंका उस जानी पहचानी खुशबू का आता है, जिसे पाकर श्रद्धालुओं की आंखें सजल हो उठती हैं। यह खुशबू साथ साथ बैठे दो व्यक्तियों को आए ऐसा आवश्यक नहीं, कभी किसी एक को लेकिन बगल में बैठे दूसरे को नहीं। आशीर्वाद देने हेतु गुरुजी भक्तों से कहते, मेरे हाथ दबा या पांव दबा। इस क्रिया के दौरान भक्त तो उस पार पहुंच जाता, शरीर हवा सा हल्का व रोमांचित हो जाता और हाथ व कपड़े सुगंध से भर जाते। लंगर प्रसाद पाकर घर जाएं तो परिवार जन को उस दिन भक्त के कपड़ों से वो सुगंध मिलती। अगले दिन प्रातः उठें तो भी हाथ में वो खुशबू बसी हुई मिलती। आज भी ये खुशबू हमें कहीं भी कभी भी अनायास ही रोमांचित कर देती है। गुरुजी अक्सर कहा करते, जा तेरा कल्याण किता। यहां कल्याण का अर्थ बहुत गहरा होता है, जो शायद हमारी बुद्धि के हमारी समझ के परे होता है। अनेक और अनगिनत घटनाएं हैं गुरुजी के विषय में। दिखते थे साधारण किंतु थे असाधारण। उनमें ईश्वर की अतुलनीय शक्ति का समावेश था। वो गुरु भी हैं और गोविंद भी। उनके सभी भक्त उनके कथनानुसार समृद्ध धनाढ्य मध्यवर्गीय और श्रद्धा में डूबे हुए। गुरुजी के तीन तीर्थ स्थान हैं, बड़ा मंदिर छतरपुर भाटी माइंस, दूसरा मंदिर 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर और तीसरा मंदिर डुगरी मंदिर मलेरकोटला खन्ना रोड। गुरुजी के यहां पांच मुख्य पर्व हैं, महाशिवरात्रि, बैसाखी, गुरुजी का जन्म दिवस 7 जुलाई, गुरु पूर्णिमा दिवस और नए वर्ष का आगमन 31 दिसंबर की रात। ये पांच त्योहार बड़े मंदिर में बड़े उत्साह और हर्ष के साथ मनाए जाते हैं। अब ये संसार है, जो आता है वो जाएगा, लेकिन ऐसे महापुरुष हमारा मार्गदर्शन करके हमें जीवन की नई शैली नई दिशा देकर संसार तज जाते हैं। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। उनके शरीर छोड़ने के बाद संगत की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। मानव शरीर छोड़ने के बाद से वो हम सबको अपनी उपस्थिति का एहसास करवाते हैं, प्रमाण व संकेत देते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उनकी महासमाधि के उपरांत संगत में कई गुना वृद्धि हुई है। शिवरात्रि, बैसाखी, गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई, गुरु पूर्णिमा व नववर्ष संध्या पर होने वाले विशेष आयोजनों में
मीलों तक बढ़ते श्रद्धालुओं की कतारें हमें गुरुजी के शब्दों की याद दिलाती हैं। यहां लाइनें लगा करेंगी। ये मंदिर महान तीर्थ स्थल बनेगा। गुरुजी के हर वाक्य, हर शब्द की तरह इस वाक्य को हम थोड़े ही समय में प्रमाणित होता देख रहे हैं। गुरुजी कहते, अगर तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो किसी को दुख या कष्ट मत दो। गुरुजी हमारे श्रद्धा भक्ति देखकर हमारे भविष्य को नवनिर्मित कर सकते। वो कहते, कभी भी इस दर से खाली हाथ नहीं जाओगे। गुरुजी कहते, मांगो नहीं मानो, मांगो नहीं समर्पित हो जाओ, क्योंकि गुरुजी सब जानते और समझते। एकता और संगत की आदर्श मिसाल लंगर। ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सब एक साथ लंगर लेते। इसका अर्थ है ईश्वर की दृष्टि में सब एक समान। गुरुजी की दृष्टि भी तो ईश्वर की ही दृष्टि थी। गुरुजी का आशीर्वाद हमें चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के रूप में मिलता है, जिसे ग्रहण करना हम सबके लिए अति आवश्यक है। उनके मंदिर दिल्ली के छतरपुर की छत पर महान शिवलिंग की स्थापना इस सदी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरुजी कहते, इस शिवलिंग पर जब अमृत वर्षा होगी तो इस मंदिर में खड़े रहने की जगह भी ना होगी। लोग आज के तनाव भरे जीवन से त्रस्त हो गए हैं, उन्हें चाहिए सुख और आनंद। सुख और आनंद के कारक हैं हमारे परम पूज्य गुरुजी। मन को शांति देता है सत्संग। अपने हर सत्संग में गुरुजी उपस्थित होते हैं। यद्यपि उनके आसन पर कोई विराजमान नहीं होता, फिर भी मन की आंखों से देखिए गुरुजी विराजमान दिखाई देंगे। गुरुजी कहते थे, रब से रब को मांगो। गुरुजी का सबसे सुंदर और आध्यात्मिक संदेश, ईश्वर रोशनी है और रोशनी प्यार है। जब तुम प्यार सीख लोगे रोशनी देख पाओगे। जिन्हें तुम नापसंद करते हो उन्हें प्यार करो। अपने शत्रुओं को भी प्यार करो और रोशनी तुम्हें प्यार करेगी। हमारे गुरुजी की कोई गद्दी प्रथा नहीं है। उनका कहना है, पहले भी मैं था, आज भी मैं हूं, आगे भी मैं ही रहूंगा। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने इस जन्म में उनका सान्निध्य प्राप्त किया, उनके उपदेशों को जीवन में उतारें, प्रतिदिन शिव पुराण पढ़ें, सत्कर्म की ओर झुकें, सत्संग में नियमित उपस्थित रहकर गुरु जी का आशीष पाएं और जीवन को सफल सुंदर और उपयोगी बनाएं। जय गुरु जी।